अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 68वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग का जो इंतजाम किया है उसके लिए आज एलएन मिश इंस्टीट्यूट में टेस्ट संपन्न हुआ। बिहार के कोने कोने से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं टेस्ट देने पहुंचे थे। एलएन मिश ने सख्त हिफाजती इंतजाम किया था। एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि देर से पहुंचने वाले स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया। यहाँ के रजिस्ट्रार उपेंद्र कुमार, कोचिंग के कोर्स डायरेक्टर प्रीति सिंह समेत तमाम ऑफिसर्स और टीचर एक्टिव थे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर समेत ऑफिसर्स सेंटर पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। साथ ही मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट ऑफिसर भी निगरानी करते नजर आए। एग्जाम देकर निकलने वाले छात्रों का मिला जुला बयान था। कुछ ने प्रश्न पत्र कठिन होने तो कुछ ने मॉडरेट होने की बात कही। अच्छा अच्छा हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम आबिद हुसैन है। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। जो पढ़ के आया होगा, मतलब 50% भी जो पढ़ के, हाँ पढ़ के आया होगा वो अच्छा से कर लेगा। एग्जाम ठीक नहीं गया, क्वेश्चन हार्ड था। आज हम बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस। एग्ज़ाम बहुत बढ़िया रहा। क्वेश्चन का पैटर्न मॉडरेट था और ज़्यादातर क्वेश्चन थे आपका हिस्ट्री से थे और उसके बाद पॉलिटी से भी क्वेश्चन थे, करंट के क्वेश्चन भी थे इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद आलम हुआ। हेलो जी, कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम 50% जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे, जो कि बताता है एबिलिटी कि हम लोग को और पढ़ने की ज़रूरत है। और 50% क्वेश्चन जो थे बेसिक्स से थे, जिसको अगर पढ़ा जाए तो आसानी से ये किया जा सकता है। आमिर असगर खान। कहाँ से एग्ज़ाम आप लोगों का? अच्छा था, अच्छा था। क्वेश्चन का पैटर्न हाँ सही था। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है। क्या नाम आपका? शाजी आफ्ताब। क्या नाम? जीवा परवीन। कहाँ से? औरंगाबाद। कैसा रहा एग्ज़ाम? अच्छा रहा, अच्छा रहा। क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा था। क्वेश्चन का पैटर्न? क्वेश्चन एकदम अच्छा था, मतलब उतना रहना ही चाहिए था, एक लेवल होना ही चाहिए और वो मेंटेन किया है और अच्छा है। और क्या? क्या नाम? मेरा नाम कश्यप तवाब है। जी एग्जाम लेने आए थे। क्या नाम है? मोहम्मद राशि के जी। कहाँ से? महुआ से। महुआ जी, वैशाली। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम अच्छा रहा। एग्जाम का लेवल अच्छा था, क्वेश्चन भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था। तो बीपीएससी इससे पहले क्या किया आपने? इससे पहले ग्रेजुएशन करके यहाँ आए। मास्टर डिग्री एमटेक किए हुए हैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से। बताइए क्या नाम है? एमडी आशिक अजीज। आशिक अजीज। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अमीर आफाक अहमद फैजी और मजहरुल हक विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इनाम जफर ने कहा, सर शिक्षा बीपीएससी कोचिंग का एग्ज़ाम आपने लिया आज, कैसा तजुर्बा रहा? और वो एक बात आई थी, बहुत हज़ारों की तादाद में लड़की के गार्जियन लड़कियों को मैसेज आ रहा है कि वहाँ इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है अल्पसंख्यक विभाग ने, इस बार हम लोग लड़कियों को महफूज समझ रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत शुक्रगुजार हैं एलएन मिश्रा इंस्टीट्यूट की टीम के, ख़ासकर उपेंद्र कुमार और प्रीति सिंह राणा के, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया लड़के और लड़कियों के लिए टेस्ट बहुत ही पीसफुल अंदाज में। हम मौलाना मजहरुल हक की भी टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने कम नोटिस पर क्वेश्चन पेपर और मार्कशीट का हज भवन के कोलैबोरेशन से उसका प्रोवाइड कराया और
ये चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो गई। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हम लोगों ने फॉर्म भी अपलोड किया, फॉर्म को भरने का भी टाइम कम दिया और फिर टेस्ट भी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर लिया गया। ये हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि 12 फरवरी का एक टारगेट डेट आ गया है और उससे पहले हमको एटलीस्ट 45 दिन की हम क्रैश कोर्स करना चाहते हैं और उसके लिए वक्त चाहिए। तो हम इधर ही जो है कुछ चीज़ों को स्क्वीज़ कर सकते थे, बाकी तो हमारे पास जो जो फाइव वक्त अवेलेबल है उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सके। जहाँ तक सवाल है कि लड़कियों के इस बार के अटेंडेंस का, वो बहुत ही अच्छा है और लड़के भी बहुत ही सिंसियर लड़के ऐसा लग रहा है कि टेस्ट में अपीयर हुए हैं और एक अच्छी तादाद में आए हैं। हमको उम्मीद है कि इस बार जो हमारा बैच बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा, जो सिंसियर होंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और हमको और इस कम्युनिटी को अच्छा रिजल्ट देंगे। बात सर आ रही थी वो लड़कियों के बोर्डिंग और उनके लाने ले जाने की बात, तो चुके लड़कों के लिए हॉस्टल हम लोगों ने एल एन मिश्रा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रोवाइड करने का वादा किया है और लड़कों को वहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल होगा। एल एन मिश्रा अभी लड़कियों के लिए हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, उनके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन जितना उन्होंने एक्सटेंड किया है हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन जब लड़कों की व्यवस्था हुई है रहने की, तो हम लोगों की ख्वाहिश ये कि लड़कियों के भी एक अच्छी व्यवस्था हो और अल्टरनेटिव हमारे पास जो मौजूद हैं, जो जो चॉइसेस हैं हमारे पास, उनमें दो चॉइस है, लेकिन उन दोनों चॉइस में जो दूरी है एलेन मिश्रा से, वो एक इशू बन रहा है कि कैसे वहाँ से बच्चियाँ आएंगी, क्योंकि ये रूट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रूट नहीं है, पब्लिक कन्वीनियंस नहीं मिल पाता है और इंडिविजुअल ये बच्चियाँ अपना कन्वीनियंस कैसे इस्तेमाल कर पाएंगी और हम लोग उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। अभी कई इश्यूज हैं इस पर, हम लोग के आपस में मीटिंग होने की ज़रूरत है और हम देखना पड़ेगा कि हम लोग इसको कैसे मैनेज कर पाते हैं, इसीलिए अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल डिपार्टमेंट इसको सीरियसली सोच रहा है कि किसी तरह से उनके लिए भी उसी तरह की सुविधा हो सके जिस तरह की हम लड़कों को सुविधा प्रदान कर पा रहे हैं। रिजल्ट आज देंगे आप, रिजल्ट कब तक देंगे? रिजल्ट कल तक उम्मीद है, कल सैटरडे है, कल तक उम्मीद है कि कल शाम तक हो जाएगा, अदरवाइज फिर हम संडे या मंडे को सुबह दे देंगे, लेकिन 99% चांस है कि कल शाम तक आ जाएगा। मसला वही है सर, लड़कियां बहुत दूर दूर से आई और वो चाहती हैं कि यहाँ रह कर के फिर उनके लिए रहना और वो मसला हो जाएगा। लड़कियों के लिए हम लोग क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत ही सीरियस और सिंसियर बच्चियां हैं और एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है उनके लिए, तो हमारी भी ख्वाहिश है और हमारी प्रधान सचिव की भी ख्वाहिश है और चीफ सेक्रेटरी साहब की भी ख्वाहिश है कि उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जाए, मगर जो लिमिटेशंस हैं, जब तक उस पर कुछ चर्चा ना हो जाए, कोई चीज़ सामने ना आ जाए, कुछ कमिटमेंट या कुछ कहना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। वही अभी जो डायरेक्टर साहब ने बतलाया, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, चूँकि वो इलाका भी मीठापुर का, अभी बस स्टैंड भी वहाँ से गैर आबाद हो गया है, तो उस सिलसिले में हम लोग सोचेंगे कि क्या नज़म किया जाए, अगर ट्रांसपोर्टेशन का अपना ज़ाती नज़म हो जाता है तो वहाँ भी हॉस्टल में हम लोग इस सहूलियत दे सकते हैं, लेकिन अभी उस पर बातें हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल तो जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसी के हिसाब से हम प्रोग्राम करके चल रहे हैं इंशाल्लाह। इस कड़ाके की ठंड में सैकड़ों मील दूर से गार्जियन अपनी बच्चियों को बेहतर भविष्य की सुरक्षा की उम्मीद पर एग्जाम दिलाने लाए थे।
चंपारण से आए एग्ज़ाम दिलवाने जी। कौन एग्ज़ाम दे रहा आपका? एक पोता है एक पोती। कहाँ से? चंपारण से। आप सर? बनौनकी सर, पूर्णिया जिला। पूर्णिया से जी। लड़की है एग्ज़ाम देने। कैसे आए, कब आए? आज सुबह 7 बजे आए। सुबह 7 बजे जी। बस में आए थे, बनौनकी से बस चलती है कोच, उसमें आए थे। गोपालगंज से आए। गोपालगंज से। पटना में कुछ है आपका या कौन एग्ज़ाम दे रहा है आपका? मेरी लड़की दे रही है। लड़की दे रही है। आप साथ हैं? हाँ जी सर। कहाँ से आए सर? गोपालगंज से। कैसे आए जी? कब आए? आए हम कल ही आए हैं शाम को। कौन एग्ज़ाम दे रहा है? भतीजी दे रही। कहाँ से आए चाची? मोतीपुर से। मधुपुर? मोतीपुर। मोतीपुर मुजफ्फरपुर से। कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा रहा? बहुत टफ था। टफ था जी, बहुत टफ था जी। क्या उम्मीद है? क्या नाम है? सूफिया। कहाँ से? जहानाबाद से। सवाल ये पैदा होता है कि अगर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं हुआ तो इस 45 दिन वाले क्रैश कोर्स का क्या हासिल होगा? उम्मीद है कि विभाग बेटियों के हक में बेहतर फैसला करेगा, क्योंकि सरकार बेटी पढ़ाओ की बात करती है। आपके कमेंट के ज़रिए हमें आपकी ज़रूरतों का पता चलता है। इस वीडियो को औरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए वक्त पे आपको जानकारी मिल सके।